के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया, जो रूसी संघ का सर्वोच्च राज्य सम्मान है। भारत के प्रधानमंत्री को रूस और भारत के बीच विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रशिया यात्रा पर केंद्रित रिपोर्ट सुनिए श्रीमती आरती सोनी से। मॉस्को से आरती सोनी, भारत के प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में कुछ जानकारी। 8 जुलाई को मॉस्को के अधिकृत हवाई अड्डे वनुकोव में भारत के प्रधानमंत्री का विमान उतरा। वहां रूस के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों मंत्रियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला मॉस्को के केंद्र में क्रेमलिन के निकट स्थित 5 सितारा कार्ल्टन होटल के बाहर आया और वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, रूसी नागरिक जो भारत में रुचि लेते हैं, वे भारतीय वेशभूषा में उनके आगमन का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उन्होंने मोदी मोदी, हर बार मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी जैसे नारे लगाए। नृत्य करते हुए, ढोल बजाते व्लादिमीर पुतिन और मोदी जी का आदमकद छवि चित्र के साथ तस्वीरें खिंचवाई उन्होंने। वहाँ ही मॉस्को के केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने भी बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यहाँ ही मॉस्को के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में जो रूसी बालाएं और बालक सीखते हैं नृत्य संगीत, उनके द्वारा भी अपनी नृत्य पारंगता का यहाँ प्रदर्शन किया गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर बार मोदी सरकार जैसे नारे लग रहे थे और लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर रहे थे। इसके बाद 9 जुलाई को मॉस्को में रूस में रहने वाले भारतीय नागरिकों के साथ भारत के प्रधानमंत्री ने उनके आगमन के उपलक्ष्य में आयोजित सुबह उनसे भेंट वार्ता में अपने विचार प्रस्तुत किए। ये वाकई में एक बहुत ही गरिमा का क्षण था यहाँ मॉस्को में रहने वाले भारतीयों के लिए, भारतवंशियों के लिए। वे उनके आगमन का करतल ध्वनि से स्वागत कर रहे थे और मोदी जी ने वहीं 149 करोड़ भारतवासियों की ओर से उन्हें प्रणाम किया और उसके साथ ही उनके लिए कुछ नए तोहफे भी पेश करने की घोषणा की। ये थी कजान और दूसरी एक और शहर में भारत का कॉन्सुलेट खोला जाएगा। यह सुनकर सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इस मोदी जी के जो भाषण या उनके जो उद्गार थे, उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी जिसे सभी भारतवंशियों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, भारत का राजदूतावास में यहाँ भारत के राजदूत कार्य करते हैं, पर आप सभी भारतीय यहाँ भारत की उच्च कोटि की सफलता के लिए
अपना परिश्रम, अपना समय देते हैं और इसीलिए आप भारत के राष्ट्रदूत हैं। ये विचार वाकई में सभी के लिए दिल को छू लेने वाले थे। और वंदे मातरम के ध्वनि के साथ ही करतल ध्वनि से सभी ने उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया। और मोदी जी इसके बाद में सबसे हाथ मिलाते हुए और सबसे बातें करते हुए वे रवाना हुए क्रेमलिन की ओर, जहां पर उन्हें आज विशेष पदक रूस का प्रदान किया गया। वो रूस के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। और ये एक बहुत ही अच्छा क्षण था। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने मॉस्को में क्रेमलिन की चारदीवारी के निकट स्थित ज्वाल अमर ज्योति के समक्ष वीरगति प्राप्त सैनिकों का शीश नवाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मोदी जी के इस दौरे की एक और अहम बात थी जिसने बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, वे थे भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पड़ पोते भी इस दौरे में उनके साथ था और उनके साथ में मुलाकात और उनसे बातचीत करने का मुझे सुअवसर मिला। मॉस्को से आरती सोनी।